तो ये है कि किसी को दिखाने के पर्पज़ के लिए बेटर है। तो यहाँ पे मुझे कोई पार्टीशन ब्रेक नहीं करना पड़ेगा, मेरे जो सिस्टम में पार्टीशन है वो एग्जिस्टिंग रहेंगे, वो वैसे ही रहेंगे, उनमें से स्पेस को कंज्यूम करेंगे। जस्ट लाइक आप एक सॉफ्टवेयर एडिशन इस पे लोड कर रहे हैं, बस ये काम करेगा कि वो इंटरमीडिएट इंटरफेस तैयार कर देगा पर विंडो को सॉलिडिंग करने के लिए, और आप आपको उस चीज को यूज कर सकते हैं। मैं सिस्टम पे इसलिए नहीं करा जो विंडो में आप जो भी काम करेंगे वो वहीं जाकर स्टोर होगा, उसके लिए स्टोर उसी फोल्डर में होगा, उसी फोल्डर में, उसी फोल्डर में, क्योंकि वो एक फोल्डर बन के आएगा सी ड्राइव में, भी आपको मैं दिखा दूंगा। तो मुझे नॉर्मल कुछ नहीं करना है यहाँ से, ओरिजिनली कितना स्पेस लेता है ये आपका, आपकी जैसे नॉर्मल साइज होता है उसका, जैसे मैंने आपको बताया था रिकमेंड किया था कि 20 GB साइज कम नहीं होना चाहिए आपका विंडो 7 का, वैसे ही बिल्कुल। इस पर स्टोरिंग कैपेसिटी कहाँ से आएगी, स्टोरिंग कैपेसिटी किसी ड्राइव से ले सकते हो ना उसे, वो हार्ड डिस्क से डिटेक्ट करेगा आपकी स्टोरेज को, लेकिन आपके पास में ये पता होना चाहिए आपके पास में स्पेस कितना है। आपके पास में मतलब हार्ड डिस्क में 20 GB 25 GB स्पेस काफ़ी है, खाली पड़ा हुआ है 25 GB स्पेस, तो आप क्या करोगे 20 GB स्पेस जब आप साइन करोगे, ठीक है, तो वो हार्ड डिस्क से 20 GB स्पेस को कंसिडर कर लेगा, और उसी का खुद का आपकी कितनी है इसकी, उसकी खुद की कुछ नहीं है, ये वर्चुअली काम करेगा, इसका कुछ भी नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है। अच्छा, ये एक सॉफ्टवेयर है, सिर्फ इसको ये क्या करेगा, आपकी जो फिजिकल डिवाइस है जो आपकी हार्ड डिस्क है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, और वहाँ से कोई पार्टीशन ब्रेक नहीं करेगा उसमें, उसमें सिर्फ ये करेगा कि वो सिर्फ पर्टिकुलर साइज को कंसिडर कर लेगा किसी फोल्डर में जो आप सिलेक्ट करके दोगे, कि ये सारी चीज़ें वर्चुअल मशीन की सारी चीज़ें इस फोल्डर के अंदर आ जाए, तो वहीं पर आ जाए, ठीक है। अभी बेटर क्लैरिफिकेशन आपकी हो जाएगी जब मैं इसको एक बार इंस्टॉल करके दिखा दूंगा, तो वहाँ पे साइज कम हो जाएगी, ठीक है। एक बार रन करो इसे, ऊपर जाओ, आपको यहाँ पे वैसे इतना कोई अब तो मतलब है नहीं, बट मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ, तो आप आगे भी यूज कर सकते इस चीज़ के लिए। स्टार्ट करो इसे, इस पर क्लिक करो, इसे बड़ा लो, मैंने इसको डायरेक्टली ISO से कनेक्ट किया है, ठीक है, और आपके पास में मैं पेन ड्राइव देता हूँ, तो आप सेम ऑप्शन यूज करोगे, फर्स्ट बूट डिवाइस सेकंड बूट डिवाइस, वैसे ही विंडोज 8 कल 7 स्टार्ट हुई थी, वैसे ही आपकी 8 स्टार्ट हो रही है, ठीक है। पेन ड्राइव में आपको दूंगा, सिमिलर यही प्रोसेस होगा, विंडोज 8 है हम पहले 7 था, ऐसे लैंग्वेज चेंज कर सकते हो करना चाहे तो, अदरवाइज नेक्स्ट करो। सेम चीज जो आपका तो सर क्वेश्चन था कि रिपेयर कैसे करेंगे मेरा सिस्टम अगर करप्ट हो गया है, तो वो ये रिपेयर का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से भी अगर आप इंस्टॉल कर देंगे फिर तो रिपेयर की जरूरत नहीं है, अगर दोबारा इंस्टॉल अगर दोबारा से इंस्टॉल करोगे तो रिपेयर की दोबारा रिपेयर आप इसलिए करना करते हो, जैसे ऐसे एक बात तो मुझे भी लगती है रिपेयर करने से जो भी एग्जिस्टिंग डेटा होता है वो भी जाता है, जाता है वो तो इंस्टॉल करने से भी जाएगा, मेरे क्योंकि मैंने एक बार करके देखा था, अगर आप उसी चीज़ को रिकवर कर रहे हो ना, क्या होता है कि आप लास्ट टाइम आपने किसी दूसरी विंडो यूज की थी वहाँ पे और फिर दूसरी सीडी से आप उसे रिपेयर कर रहे हो तो डेटा को वो कर रहे हो, तो नहीं करेगा, अगर आप अल्टरनेट यूज कर रहे हो उसको रिपेयर करने के लिए तो वो पूरे डेटा बढ़ा देता है, ठीक है। तो आपको अगर पता है कि आपकी लास्ट टाइम सीडी आपके पास में यही थी और दोबारा से यही है तो वो रिपेयर कर देगा, तो आपका डेटा लॉस नहीं होगा, बट लास्ट टाइम आपने किसी दूसरी सीडी से किया था या दूसरे ओएस से उसे किया था ISO फाइल से, अभी आप किसी दूसरे से कर रहे हो तो वो हो सकता है आपके डेटा को लॉस कर दे, इस सिस्टम पे ध्यान रखना, ठीक है। ये सही है ना, हो चुका है सर एक बार, मैं रिपेयर कराने के लिए ले गया वहाँ पे मार्केट में, तो उसने पता नहीं किससे करा, उसका डेटा सारा साफ हो गया, वो इसलिए हो जाता है सर क्योंकि आपकी जो पहले जो विंडोज जिससे इंस्टॉल की है ना वो अपने ISO को यूज करता है, और हो सकता है आपने जिससे दोबारा कराया हो वो दूसरे टाइप के ISO, क्योंकि ISO में जो होता है वो जो फॉर्मेटिंग करते हैं ना जैसे एक्टिविटेड होती है, एक्टिविटी से रिपेयर किया था तुमने, हाँ, तो उसमें ये पंगा होता है क्योंकि जो नॉर्मली क्या होता है कि जो जो एक्टिविटीज बनाई जाती हैं उनमें कुछ स्पेसिफिकेशन होती है वो अंदर से प्रोग्रामिंग के द्वारा हटाई जाती है, जो हैकर्स टाइप के होते हैं वो उस चीज़ को हटा देते हैं, जो वैलिडेशन होती है ना उसको हटा देते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे चांसेस आपके हो सकते हैं करप्ट होने के, ठीक है। तो फिर अब क्या करोगे, इसे इंस्टॉल करो, सेम कंसेप्ट है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऐसे
सेम ऑप्शन आ रहे हैं कस्टम कस्टम। अब यहाँ पे कितना साइज दिखा रहा है क्यों दिखा रहा है क्योंकि मैंने अपनी पूरी एक्जिस्टिंग हार्ड ड्राइव से कितना स्पेस दिया था 20 GB। ठीक है, अब यहाँ से मैं पार्टीशन बना सकता हूँ। न्यू करोगे मुझे एक ही पार्टीशन बनाना है जस्ट टेस्टिंग पर्पज के लिए, तो मैं क्या करूँगा सिंपल से अप्लाई कर। ठीक है, अब ये पार्टीशन बन के आ गया आपका। अब इसको सिलेक्ट करें और फिर एक ही बनाने के बाद में जिसमें 350 MB पर स्पेस छोड़ा वो सिस्टम रिजेक्ट करता है। जब आप पार्टीशन बनाओ तो बिजनेस ना करोगे ना तो अपने आप 100 MB 200 MB कुछ ऐसे रिजेक्ट कर देगा। अभी तक तो सारी चीज़ें यहाँ पे सेम आई हैं जो विंडोज 7 में थी। ठीक है, इसके बाद में वो चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाएंगी। वैसे ही 8 में थोड़े फीचर्स है, बाकी कंसेप्ट सब में सेम है। इंस्टॉलेशन बताने के बाद मैं आपको एक सिस्टम बिल्कुल कैबिनेट ओपन करके दूंगा ये। ठीक है, और उसके बाद में आपको जो सारी चीज़ें एक एक करके निकाल के दिखाऊंगा सारे वायर वगैरह। ठीक है, सो दैट आप आगे उसको अपने स्कूल में जाके इस चीज़ को अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है पहले हम देख लेंगे इसमें क्या क्या होता है, वो कैसे प्लगिंग करते प्लग आउट करते, उसके बाद हम क्या करेंगे इस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। अगर इसमें ये प्रॉब्लम है तो क्या होगा, अगर ये प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना है। ठीक है, तो हम ये देख लेंगे पहले कि सॉल्व हो जाती है। अच्छा, आपने ये कल मैनुअल पढ़ा था आपने? नहीं पढ़ा हुआ, नहीं पढ़ा ना। हार्डवेयर एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें आपकी खुद से क्रिएटिविटी नहीं दिखाओगे ना तब तक आप उसमें घुस नहीं आ सकते। और हो सकता है कि जब आप फर्स्ट टाइम से यूज करोगे तो इसको प्लग इन करने में प्लग आउट करने में आपको प्रॉब्लम हो। कभी कभी क्या था, जब फर्स्ट टाइम कोई चीज़ यूज करते हैं ब्लैक मनी ब्लैक मनी लेके दूर है मेरे बैग में रखा हुआ है। ठीक है, तो जब भी आप सिस्टम को नॉर्मल स्टार्टिंग में आपको क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम होती है जैसे कि टूट ना जाए, कोई वायर खराब ना हो जाए, कनेक्टर टूट ना जाए, वो सारी चीज़ें स्टार्टिंग में आपको ये थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन जैसे जैसे आपको आता है आपको सिर्फ ये चीज़ देखनी है जो सॉफ्ट जो आप रैम यूज करोगे या फिर कोई भी कनेक्टर यूज करोगे उसकी एक शेप होगी, आपको उस शेप को देखना है वो वैसे ही फिट होगी, अदरवाइज आप गलत तरीके से उसे फिट करने की कोशिश करोगे तो ब्रेक होगी। आप उसके सिर्फ कनेक्टर देखेंगे और उसकी शेप को देखेंगे, और कनेक्टर इसमें दो भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं, तो ये मतलब नहीं है कि वो जो काम वो कर रहा है वो नहीं करेगा, वो भी वही काम करेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है फ्रंट के पैनल की वायर कनेक्ट करने में, बट आपको इतना ध्यान नहीं देना है उस पैनल पे क्योंकि आपको सिर्फ ये देखना है आपके सिस्टम में ये प्रॉब्लम नहीं हो रही कि वो, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके सिस्टम अगर डिस्प्ले नहीं आ रही है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ऑन तो हो रहा है ना सर, वो तो जो वायर होती है फ्रंट पैनल की वो भी मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है तो वो तो कनेक्ट पहले फिर भी रहेंगे। ठीक है, जब आप ऑन कर रहे हो डिस्प्ले नहीं आ रही इसमें, सिस्टम तो ऑन है आपका तो वो तो वहाँ से प्रॉब्लम नहीं है। बाकी चीज़ों को आप देखोगे जैसे आप अपने मॉनिटर को देख लोगे या फिर DFT को देख लोगे, उसके बाद में SMPS देखोगे SMPS वगैरह उसके कनेक्टर्स लूज तो नहीं है, SMPS की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वैसे रैम है मैं आपको दिखा दूँगा सब कुछ खोल के दिखाऊँगा। और SMPS भी आपके काफ़ी टाइप के आते हैं, सिस्टम आपके मदरबोर्ड को डिपेंड करते हैं।
दोनों हटा दो उसमें डेटा भी फॉर्मेट नहीं मिल रहा फॉर्मेट क्यों कर दो पहले से फॉर्मेट ही देना सिर्फ कंटेंट कॉपी पेस्ट कर दो पहले से मोटिवल बनी हुई है इसमें लिखना क्या है काम कर रहा हूँ एक ही बार नहीं है ना बात मुझे बताऊँ काम कर रहा हूँ सेलेक्ट कीजिए से ठीक है कल की जो कमांड्स बताई थी याद है सबको एक बार उस पर ध्यान दिया था पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए क्या करते हैं सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले अगर मुझे पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है और आपसे कोई पूछता है तो क्या करोगे क्या कैसे बताओगे आप विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करते हैं विंडोज 7 पे अगर हमें कमांड के थ्रू अगर पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा पहले पेन ड्राइव लगाएंगे ठीक है उसके बाद उसको रीस्टार्ट करेंगे कभी लोगों रीस्टार्ट होने से डिलीट या टैप टेन वाली जो होगी इसको सर मैं पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने की बात कर रहा हूँ बूटेबल बनाना और बूटेड पेन ड्राइव को मतलब पेन ड्राइव को इंस्टॉल करना वो आप ना उसको बता रहे हो कल मैंने आपको बताया था पेन ड्राइव को बूट करने के कुछ स्टेप्स बताए थे और शायद सर आपने तो लिखे हैं और उधर पीछे भी लिखे हैं ठीक है देविता सर ने भी लिखे हैं सबसे पहला स्टेप कमांड पे जाना है आपको उसके लिए विंडो प्लस आर दबाना होता है